अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। तो मेरा नाम आयशा है और जी मैं हेल्थ केयर और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ और प्रोडक्ट पे रिव्यूज देती हूँ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी ईद की शॉपिंग जो मैंने ऑनलाइन की है। एक्चुअली सबको पता है कि जो लॉकडाउन हुआ है उसमें बाहर जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, और वैसे भी कोरोना की वजह से सेफ नहीं है। तो जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं की हुई है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैंने भी घर में ही ऑनलाइन शॉपिंग की है, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छे सूट मिले हैं। इसमें मैं पहले ही आपको बता देती हूँ जी, मैंने जहाँ से शॉपिंग किया मैं वहाँ से बहुत दफ़ा शॉपिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मुझे वहाँ पे ट्रस्ट है। तो मैंने इस दफ़ा ईद के जो सूट हैं वो भी वहीं से बाय किए हैं, ताकि मुझे ईद वाले दिन जो है वो प्रॉब्लम ना हो। पहले बाय इसलिए किए हैं क्योंकि उनको स्टिच करवाना पड़ेगा, मैंने अनस्टिच बाय किए हैं। और आपको वीडियो भी अभी इसीलिए जल्दी में मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो इसको बाय करके आप भी स्टिच करवा सकते हैं। तो इतना टाइम जो है वो आपको मिल जाएगा कि आप लोग भी इसको स्टिच करवा सकें। तो मैंने ऑनलाइन जो बाय किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ जी कि मैंने कहाँ से बाय किए। मैंने किए हैं सिफोना से बाय, मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये है जी उनका नाम, ऊपर ये लिखा हुआ है। तो जिन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं की हुई है वो घर में बैठे हुए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये जी मैंने की है सिफोना ब्रांड से शॉपिंग की है। ये एक ब्रांड है और यहाँ पे कोई कॉपी नहीं मिलती, ना मास्टर कॉपी ये लोग सेल करते हैं। इनके अपने ओरिजिनल सूट हैं, ये वही जो है वो सेल करते हैं, तो मैंने वहीं से बाय किए हैं। आपको ओरिजिनल मिलेंगे, इनके पास हर तरह की वैरायटी होती है। मैंने थोड़े डिफरेंट टाइप की वैरायटी भी जो है वो बाय की है, ठीक है। मैंने लोन में बाय किए हैं और चिकन करी जो होता है सूट लोन में ही उसमें बाय किए मैंने दो सूट, ठीक है। तो टोटल मेरे पास इस वक्त चार सूट हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं बता दूं जी कि उनकी जो प्राइजेस हैं वो डिफरेंट है, हर सूट की डिफरेंट प्राइस है। लेकिन आपको अभी ये बताने का मकसद ये है कि अभी सेल लगी हुई है तो आप लोगों को जो ब्रांडेड सूट है वो काफ़ी कम कीमत में मिल जाएगा। मुझे पहले आइडिया नहीं था कि वो सेल लगा देंगे, तो मैंने एक दो सूट जो है वो थोड़ा सा मतलब उसी प्राइस में बाय किया है जो उनकी ओरिजिनल प्राइस थी, ओरिजिनल प्राइस पे ऑर्डर किए थे। बाद में उनकी सेल लगी तो फिर मैंने दो जो है वो और बाय कर लिए। तो दो सूट जो है वो मुझे पहले रिसीव हो गए थे और दो जो है वो मुझे आज रिसीव हुए हैं। जो पहले रिसीव हुए थे इनमें से एक जो है वो मैंने स्टिच करवा लिया है, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ, और बाकी जो है वो अनस्टिच है। आगे जाके इनकी प्राइसेस भी बताती हूँ कि मुझे आफ्टर सेल जो है मतलब डिस्काउंट प्राइसेस की कितनी पड़ी है, और जो विदाउट डिस्काउंट मैंने वो बाय की है वो मुझे कितनी प्राइस के पड़े हैं। तो पहले बता देती हूँ जी कि जो उनका पेज है इंस्टाग्राम पे है, मैंने वहाँ से शॉपिंग की थी। अदरवाइज उनके ट्विटर पे और फेसबुक पे भी अकाउंट बने हुए हैं, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते। तो उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपको सूट पसंद आए और रीजनेबल लगे तो आप लोग वहां पे जाके क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, ठीक है जी। जो टाइटल है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है, वहां पे आप नीचे जाएंगे तो वहां पे उनका लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उनके सीधा डायरेक्टली पेज पे चले जाएंगे, तो वहां से आप भी बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी हमेशा की तरह की काइंडली, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट पे लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स में, और अगर हो सके तो इसको अपने सोशल अकाउंट्स जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक आईडी है आपकी, तो वहां पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। और मुझे इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो काइंडली सपोर्ट कीजिए मुझे। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी भी सपोर्ट की मुझे जरूरत है। आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, तो मैं आप बता देती हूँ कि सिफोना ब्रांड की जो पैकेजिंग है घर पहुंचाने की डिलीवरी है वो मैं बता देती हूँ। डिलीवरी उनकी फ्री थी, उन्होंने कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लिए, जस्ट वही चार्जेस लिए हैं जो सूट की कीमत थी, जस्ट वो पे की है मैंने। और डिलीवरी जो है उनकी काफ़ी फास्ट है, काफ़ी जल्दी में वो पहुंचा देते हैं। मैं काफ़ी टाइम से उनसे बाय कर रही हूँ तो मुझे उनका आज तक कोई कंप्लेन ऐसा छुई नहीं है उनसे। तो मैं लाइक करती हूँ उनसे जो है वो कपड़े वगैरह बाय करना, मुझे पसंद आता है, मेरा फेवरेट ब्रांड है वो। पैकेजिंग जो है वो उनकी बहुत अच्छी होती है, वो जब सूट भेजते हैं तो सूट को अच्छे से प्लास्टिक रैप करके भेजते हैं, उसके बाद वो साथ में ये बॉक्स सेंड करते हैं, ठीक है। ये वाला बॉक्स जो है ये वो साथ में सेंड करते हैं, इसके कोई वो वेट के चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। और उसके अलावा आपको वो बैग भी सेंड करते हैं, ये वाला,
ये वाला बैग भी वो सेंड करते हैं, ठीक है। बैग के मामले में डिलीवरी मतलब इन चीज़ों में वो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपको बॉक्स भी आता है, पैकेट भी आता है और साथ में ये बैग भी आता है। ये इस तरह से ओपन होता है, ये सूट है इसके अंदर, और यहाँ पे उनका जो है वो प्राइस, यहाँ पे जो है जी उनका प्राइस टैग लगा हुआ है, उस पर प्राइस मेंशन है। अगर आपको नज़र आ रही हो, पता नहीं फोकस हो रहा है या नहीं कैमरा कर रहा, इसके ऊपर मेंशन है कि ये 6,495 का है। लाइक आपको 6,500 का ये सूट मिलेगा, इसकी ये ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। आफ्टर सेल जो है डिस्काउंट में ये आपको काफ़ी लेस मिलेगा। अब ये जो है ये डिफरेंट सूट है, इसकी प्राइस डिफरेंट है, जो बाकी के सूट हैं उनकी प्राइस डिफरेंट है। थोड़े सस्ते वाले भी हैं, वो भी दिखाऊंगी, वो उनकी प्राइस कम ज़रूर है, क्वालिटी में या आप बात करें कि उनकी डिज़ाइनिंग में तो किसी चीज़ में ऐसे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मुझे वो बहुत पसंद आया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी डिसाइड आप खुद कर लीजिएगा कि आपको पसंद है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जी मैं आपको ये वाला सूट दिखाती हूँ जो 6,500 का है। ये जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैंने ये जो है वो सेल में से नहीं लिया हुआ, इसकी ओरिजिनल प्राइस पे लिया था, तो इसलिए इस पर टैग भी ओरिजिनल ही लगा हुआ है। ये सूट बिल्कुल सेम इस तरह का है। अगर बात करें कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो इसके ऊपर मतलब पिक्चर बनी हुई होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, या कलर में थोड़ा सा मतलब फ़र्क आता है। इवन जे डॉट काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ठीक है, उनके सूट भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने भी मेंशन किया हुआ होता है कि थोड़ा सा जो कलर है वो स्लाइटली डिफरेंट होगा। लेकिन इसमें SH मुझे अभी तक कभी इस तरह मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, जो पिक्चर में होता है, जो आप मतलब सेलेक्ट करते हो पिक्चर देख के, सेम टू सेम वैसा ही होता है, सब कुछ मिलता है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो मैं आपको बता दूं जी, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये रेडी हुआ हुआ सूट जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जितनी भी लेसेस यूज़ हुई हुई है, जो भी इसमें बॉर्डर यूज़ हुआ है, वो सब आपको साथ में मिलता है। अगर इसके ऊपर बटन यूज़ हुए हुए हैं तो वो भी आपको साथ में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें ये बिल्कुल भी इशू नहीं बनता कि आपने बाज़ार से जाके सेपरेट आपको जो है उसकी लेस लेनी पड़ेगी, या बटन खरीदने पड़ेंगे, या आपने पैच अगर लगवाना है ट्राउज़र पे या कुछ भी, तो वो आपको सेपरेट लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये इनका प्लस पॉइंट है कि आपको सूट के साथ सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। लाइक अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको घर में हर चीज़ जो है वो मिलेगी, आपको सेपरेट बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, चीज़ें उसके साथ मैचिंग ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो बटन, लेस वगैरह जो भी इसका है, बॉर्डर वगैरह, वो सब इसके साथ ही आते हैं, ठीक है। कमीज़ का जो दामन है वो ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर अगर पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके अंदर छोटे छोटे से ट्रांसपेरेंट जो है वो सितारे लगे हुए हैं, वो सितारे ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, वो नीचे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसमें ये चिकन का थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, आपको मैं शो करवा देती हूँ जी खोल के। ये है जी शर्ट, तो ये जो चिकन का है ये फ्रंट उसका बना हुआ है कमीज़ का, ठीक है, जो आपकी शर्ट होगी उसकी जो बैक साइड है वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। वो प्लेन लोन की है, काफ़ी मतलब लाइट सा कपड़ा है, आपको इतना वो गर्मी में हैवी कपड़े पहने भी नहीं जाते, तो इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी हल्का सा है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। तो आपको मैं ये दिखा देती हूँ जी, ये है इसकी बैक साइड, ये प्रिंटेड है, इसके ऊपर प्रिंट मतलब प्रिंट बना हुआ है, इसके ऊपर कोई सितारे वगैरह नहीं लगे हुए, वो जस्ट फ्रंट पे लगे हुए थे और बिल्कुल छोटे छोटे से और थोड़े से लगे हुए थे, ठीक है। तो ये जो है इस पे जस्ट प्रिंट बना हुआ है। अच्छा, इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें बॉर्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। लाइक अगर आप इसमें एक्स्ट्रा अपना कोई डिज़ाइन ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने फ्रॉक बनवानी है या कुछ भी ऐसा आपने बनवाना है, तो इसमें फैशन बॉर्डर्स जो हैं वो सेपरेट दिए हुए हैं। मतलब ये मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह के बॉर्डर जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स में दिए हुए हैं उन्होंने साइड्स पे, तो वो आप निकलवा के उसका कुछ भी आप डिज़ाइन इसके साथ बनवा सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह आपको चाहिए आप उस तरह करवा सकते हैं, ठीक है। सेम बॉर्डर नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने दिया हुआ है, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये शलवार है जी पिंक कलर में, उन्होंने काफ़ी अच्छा कपड़ा यूज़ किया हुआ है इस पे भी। तो अगर आप मतलब उधर जाएंगे उनकी वेबसाइट पे, तो सूट के नीचे उन्होंने पूरी डिटेल दी हुई होती है कि कितने मीटर आपको शर्ट मिलेगी,
और उसके साथ आपको शलवार कितने मीटर मिलेगी, इवन दुपट्टे का भी लिखा हुआ होता है कि वो कितने मीटर का है। साथ में उन्होंने जो जो एक्सेसरीज देनी होती है लाइक लेस वगैरह, बटन वगैरह, वो भी साथ वहां पे उन्होंने मेंशन किए हुए होते हैं, लाइक आपको पूरी डिटेल दी हुई। अच्छा, तो आप मेरा फेवरेट जो पार्ट है वो आपको दिखाने लगी हूँ, जो इस सूट का है, जो ये हमेशा जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है मुझे जो अच्छा लगता है वो है जी पैचेस। अब ये जो इस सूट का है वो ऊपर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है इसका गला, ये इसका गला है, इसके ऊपर मतलब छोटा छोटा सा जो है वो ट्रांसपेरेंट सितारा जो है वो यूज हुआ है, शाइन कर रहा होगा, मे बी ये शाइन कर रहा होगा। इसके ऊपर जो है वो हल्का सा सितारा लगा हुआ है, ये आपकी शर्ट के ऊपर आएगा, नीचे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा गला बना हुआ है, जो आप अटैच करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप बिल्कुल सादा रखना, सिंपल रखना चाहते हैं गर्मी में, तो आप इसको सिंपल भी सिलवा सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके दामन पे आते हैं, तो इसका दामन है ये, तो जी ये इसका दामन है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो है बहुत कंजूसी के साथ बिल्कुल छोटे छोटे से पीस नहीं कटे हुए हैं, इसका जो दामन है वो काफ़ी है, मतलब आपका इजी जो बड़ा घेरा होता है वो बन जाता है। तो ये इसका दामन पीस हो गया, वो गला मैंने आपको शो करवा दिया। अब मैं आपको शो करवा देती हूँ जी बाजू के पैच, ये जो है ये है बाजू के पैच, ठीक है, आप जो बाजुओं के ऊपर लगवाएंगे ये वो पैच है, ये भी कढ़ाई हुई हुई है इस पे, और जो सितारा है वो लगा हुआ है। ये बहुत ज्यादा आपको हैवी फील नहीं करवाएगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे, वैसे भी गर्मी की ईद जो होती है उस पर बहुत हैवी सूट नहीं पहने जाते हैं, तो उस मामले में जो है ये बहुत अच्छा है, ठीक है जी। अब मैं आपको जो है वो इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ, दुपट्टे के जो बॉर्डर है वो सेपरेट है, वो आपको अटैच करवाना पड़ेगा, कुछ के साथ अटैच हुआ हुआ आता है, कुछ के साथ अटैच करवाना पड़ता है। तो ये वाला जो सूट है इसके साथ अटैच करवाना पड़ेगा, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, कट वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर और धागे की कढ़ाई हुई हुई है। ये इस तरह का काफी ये लंबा है, मैंने इसको अभी वो तय किया हुआ है, तो ये आपके जो दुपट्टा है उसके चारों तरफ आएगा, ठीक है, ये चारों तरफ इस तरह का कट वर्क बना हुआ कढ़ाई वाला बॉर्डर आएगा, और जो दुपट्टा है वो अंदर से जो है वो इस तरह का है। बिल्कुल जो अच्छी वाली क्रेप शिफॉन होती है ये उसका बना हुआ दुपट्टा है, ठीक है, लोन का दुपट्टा नहीं है। इसके ऊपर पूरी जो है वो कढ़ाई हुई हुई है, ये अगर आप देखें तो, पूरा दुपट्टा जो है जी उस पे सारे पे कढ़ाई हुई है, धागे की कटवर्क बना हुआ है चारों साइड्स पे, और ये क्रेप शिफॉन का दुपट्टा है, ठीक है, ये हो गया जी एक सूट कंप्लीट। तो जी ये नेक्स्ट सूट मैं आपको दिखाने लगी थी, लेकिन इसका जो क्लिप है वो इस वीडियो में ऐड नहीं हो रहा, आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन वो ऐड नहीं हो सका। लेकिन मैंने बाकी के 3 सूट आपको इसमें आगे वो दिखा दिए हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि बाकी के सूट आप देख सकें, और आपको अगर पसंद आए तो आप बाय भी कर लीजिएगा। तो ये सूट वो था येलो वाला, लेकिन नहीं क्लिप ऐड हो सका, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दिखा सकी। लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो है वो ब्लैक वन है, इसका दुपट्टा जो है वो शिफॉन क्रेप का बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, और इसका ये बॉर्डर है जो मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये चारों साइड्स पे है दुपट्टे के, इस पे वो जो है कॉपर स्टाइल में जो सितारा लगा हुआ है वो है, और साथ में धागे की कढ़ाई हुई हुई है, वाइट कलर का धागा यूज़ हुआ हुआ है, और ये आपको मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ सके। साथ में ये इसकी प्लेन शलवार है, और इसका ये जो गला है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, गले पे ये वर्क हुआ हुआ है सेम धागे का जो बाकी सूटों पे हुआ हुआ था वही है, और साथ में थोड़ा सा स्टोन्स वगैरह ब्लैक और कॉपर स्टाइल में वो लगे हुए हैं। ये उसका फ्रंट साइड है शर्ट का, ऊपर की तरफ गला है, और ये इसका जो है नीचे दामन है, ठीक है, तो ये फ्रंट साइड होगी शर्ट की। अब मैं नेक्स्ट आपको जो है ये इसको क्लोज करके गले को ही दिखा रही हूँ अच्छे से। अब ये बैक साइड है, और बैक साइड जो है वो प्लेन है, प्रिंटेड है, इसके ऊपर कुछ भी स्टोन्स वगैरह जो है वो ऐड नहीं हुए हुए हैं।
तो जो सूट जिसका क्लिप जो है वो कट किया था, तो वो भी इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन उसका दुपट्टा जो है वो नेट का था और येलो कलर में था। तो जी अब इसका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बॉर्डर है, फैशन बॉर्डर। ये सूट के साथ एक्स्ट्रा होते हैं, अगर आपने कोई स्टाइल बनवाना हो डिफरेंट तो आप इनको यूज़ करके मतलब आप कुछ भी अपनी मर्जी का बनवा सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बाजू दिखा रही हूँ, ये है जो कंधों वाली साइड है, और नेक्स्ट जो स्लीव्स की तरफ बॉर्डर होता है वो ये वाला है, प्रिंटेड बाजू है इसके। और साथ में इन्होंने पैच दिए हुए हैं ये वाले जी ट्राउज़र के लिए, इन पे भी बहुत खूबसूरत वर्क हुआ हुआ है, तिल्ला टाइप थोड़ा सा सितारा लगा हुआ है, ये ट्राउज़र के बॉर्डर हैं। और साथ में ये है जी जो आपकी शर्ट है उसका दामन, उसका जो बॉर्डर है वो है इस पे भी बहुत अच्छा वर्क हुआ हुआ है, और इस पे सितारे भी यूज़ हुए हुए हैं। तो नेक्स्ट ये मैं दिखा रही हूँ जो उनका बॉक्स, जिसमें से ये मेरा स्टिच हुआ हुआ सूट है वो चेक करवाने लगी हूँ आपको। इसकी प्राइस टैग जो है वो मैं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि फोकस हो गया था तो मैंने सोचा दिखा दूँ। और ये इसका दुपट्टा है, ये नेट का दुपट्टा है। चार सूट थे जिनमें से दो के दुपट्टे जो थे वो नेट के थे, और बाकी दो के शिफॉन क्रेप जो होती है उसके थे। तो इसके ऊपर जस्ट धागे की कढ़ाई हुई हुई है, वाइट कलर का धागा यूज़ हुआ हुआ है, सितारा वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, और नेट का दुपट्टा है। और इसके साथ जी इसकी जो ट्राउज़र हैं उस पे ये लगे हुए हैं जी, पैच अटैच करवा लिए हुए हैं उसी तरह, सेपरेट पैच थे तो इनको अटैच करवाया हुआ है। ये लगने के बाद कुछ इस तरह से लुक दे रहे हैं, ये भी धागे की कढ़ाई हुई हुई है, अगेन कोई सितारा वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ इस पे। ये इसकी शर्ट है, फ्रंट साइड है इसकी वाइट और पिंक कलर का कंट्रास्ट है, और साथ में ये इसका आगे दामन है जिसपे पैच अटैच करवाया हुआ है जो कि धागे की कढ़ाई वाला था। और इस पूरे सूट पे कहीं पे भी यूज़ नहीं हुए हैं सितारे वगैरह कुछ भी, इस पे जस्ट धागे की कढ़ाई है, उसके पैच यूज़ हुए हुए हैं। तो ये जी चिकनकरी की शर्ट है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, पूरी शर्ट पे इसी तरह से सेम डिज़ाइन बना हुआ है। नेक्स्ट इसके शिफोन के बाजू हैं, बाकियों के लोन के बाजू थे लेकिन इसके शिफोन के बाजू हैं, और ये आगे उसका धागे का जो वर्क हुआ है बॉर्डर है ये वो है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी जो बैक साइड है शर्ट की वो। तो आपको अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।